यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे इवान जॉन रॉबर्ट्स के बारे में। इनका जन्म 8 जून 1878 में हुआ था। इनका मृत्यु 29 जनवरी 1951 में हुआ था। इनका शहर था वेल्स, इनका देश था यूनाइटेड किंगडम और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार यूनाइटेड किंगडम में किया था। इवान रॉबर्ट्स हेनरी और हैना रॉबर्ट्स के सबसे छोटे बेटे थे। मेथोडिस्ट घर में जन्मे इवान बचपन से ही परमेश्वर के बारे में परवरिश हुई और नियमित रूप से चर्च जाते थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ कोयला खदानों में काम करना शुरू कर दिया और बाद में एक लोहार के रूप में प्रशिक्षु हो गए। काम करते समय इवान को कोयला खदान की धूल में अपने घुटनों पर प्रार्थना करना एक आदत थी। उन्होंने कान मजदूरों के बच्चों के लिए स्थापित रेक स्कूल में पढ़ाया और उनकी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा किया। इवान एक प्रार्थनाशील व्यक्ति थे और अपने घुटनों पर प्रार्थना करते हुए लंबी रातें बिताते थे। एक रात जब वे प्रार्थना कर रहे थे, उनमें अजीब तरह से कंपकंपी शुरू हुई और उन्हें लगा कि वे बीमार पड़ गए, लेकिन जल्द ही कंपकंपी कम हो गई और उन्होंने अपने कमरे में परमेश्वर की समर्थ उपस्थिति महसूस की। उन्होंने लगभग 4 घंटे तक परमेश्वर का संगति अनुभव किया, जिसके बाद उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपने जीवन के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य को समझा और सन 1904 में न्यू कैसल एमलिन कॉलेज में सेवकाई के लिए अध्ययन करना शुरू किया। एक बार सेठ जोशुआ की सेवाओं में भाग लेते हुए इवान को परमेश्वर की आत्मा ने गहराई से छू लिया। इसके बाद उन्होंने नवंबर 1904 और से जनवरी 1906 के बीच पुनरुद्धान बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की। उनके उपदेश मुख्य रूप से पापों की स्वीकृति, विश्वास का अंगीकार और पवित्र आत्मा के प्रति अंतर्निहित आज्ञाकारिता पर केंद्रित है। उस समय पूरे वेल्स में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक जागृति फैली और हजारों लोग पर प्रभु को ग्रहण करके कलीसिया में जुड़ गए। इवान एक विनम्र व्यक्ति थे जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमेशा उत्साह से भरे रहते थे। परमेश्वर की अगुवाई के प्रति आज्ञाकारी होने की इच्छा और घुटनों पर रहने की तप्रता के ने उन्होंने उन्हें कलीसिया में पुनरुद्धार का एक शक्तिशाली साधन बना दिया। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने वेल्स में पुनरुद्धार के लिए लगातार 13 घंटे प्रार्थना की। इवान ने कई कविताओं और भजनों की भी रचना की। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों को पूरी तरह से प्रार्थना और निवेदन की सेवकाई के लिए प्रतिबद्ध किया। प्रिय, क्या आपकी प्रार्थना और सेवकाई दूसरों को पुनर्जीवित करती है? प्रभु, मुझे पहले पुनर्जीवित करे ताकि मैं अपने घर, समाज और कलीसिया में पुनरुद्धार का साधन बन जाऊं। आमीन।